उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जिला अस्पताल के इमरजेंसी में उपचार कराने आए मरीज ने चिकित्सक की पिटाई कर डाली। विवाद होते देख पुलिस चौकी पर तैनात जवानों ने मरीज व उसके भाई को हिरासत में ले लिया। चिकित्सक की पिटाई की सूचना पर आक्रोशित चिकित्सकों ने इमरजेंसी सहित ओपीडी सेवा ठप कर दी। मोदी सरकार ने भले ही तीन तलाक को लेकर कानून बना दिया हो, मगर आज भी मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का दंश झेलने को मजबूर है। जी हाँ, ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां निकाह के 20 साल बाद मामूली बात पर पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक दे डाला। अब तीन तलाक पीड़िता पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई कराने का दावा किया है। दिल्ली में लगभग 600 वर्ष पुराना संत शिरोमणि रविदास मंदिर तोड़ा गया, जिससे बहुजन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इसके चलते जिला सिद्धार्थनगर की भीम आर्मी की इकाई ने कलेक्ट्रेट भवन सिद्धार्थनगर में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश के हसनपुर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों का अगर हाल बयान किया जाए तो गुणवत्ता के नाम पर शिक्षा यहाँ शून्य है। यहाँ बच्चों को पहाड़ों से लेकर अधिकारियों तक के नाम मालूम नहीं है और मास्टर साहब का तबादला हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन मास्टर साहब कुर्सी से चिपके हुए हैं, अभी तक छोड़ ही नहीं रहे। ना बच्चों को पढ़ाते हैं और ना खुद स्कूल से जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत नारोली डांग में शिक्षा अभियान के तहत संचालित कस्तूरबा आवासीय छात्रावास का जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से गठित 3 सदस्यीय टीमों ने जांच की। टीम के सदस्यों ने बालिकाओं के बाल कटने की घटना व छात्राओं के ठहरने के कमरों की सुरक्षा के मापदंडों आदि विभिन्न पहलुओं पर जांच पड़ताल की।